गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने 31 क्वेश्चन बनाया था जिसमें ये क्या है कि प्रिंसिपल जो है 38,000 है, रेट 20% है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। तो हम क्या जानते हैं कि जब हाफ ईयरली हो, ठीक है, तो इसमें 2 से भाग दिया जाता है रेट में, तो यानी कि यह हो गया 10% हाफ ईयरली टाइम 3/2 ईयर्स है। कितना है? 3/2 ईयर्स है। तो इसको हाफ ईयर में बदलेंगे तो 3/2 ईयर हो जाएगा। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे हैं, P × 1 + RY 100 to the power T हो गया। इस तरह इसको सॉल्व करके आ गया आपका कितना, 50,578। और CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस टी, यानी कि 50,578 माइनस 38,000, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 12,578 रुपया हो गया। यानी कि यह आपका 31 का सॉल्यूशन हो गया। में देखिएगा, फॉर रामू के लिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपया, रेट दिया हुआ 10% और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P × 1 + RY 100 / T। इसके अनुसार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 5,972, ठीक है। और CI निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, CI = A - P, यानी कि 3,972। इसलिए द टोटल इंटरेस्ट पे टू रामू हो जाएगा 3,972 रुपीज। आपका 32 का सॉल्यूशन है। और ठीक है, देखिए इसको, अब हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जो 32 और 33 एक ही साथ क्वेश्चन है उसका। तो इसमें हम देखेंगे कि फॉर रवि के लिए, रवि जो है 12,000 रुपया इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इसका टोटल अमाउंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12,001 + 15/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 18,250.50। इसका टोटल अमाउंट हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, CI निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,250.5 रुपये इसका टोटल CI हो गया। अतः रवि को बैंक में 6,250.50 इंटरेस्ट जमा करना होगा। तो ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। अब 34 नंबर जो है, 32 और 33 से संबंधित क्वेश्चन है। 32 और 33 में जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित 34 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि रामू और रवि जो अमाउंट जो चुकाता है बैंक को, उसका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो रामू 18,250 चुकाता है और एक जो है 15,972 चुकाता है।
तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2278 रुपया 0.5 रुपया हो गया। ठीक है, यानी कि रामू यह चुकाता है ना और रवि ज्यादा चुकाता है, तो दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया। जो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आप, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपया है, रेट जो है 3% है। क्या है रेट? 3% है और क्वार्टरली कहता है, तो हम क्या जानते हैं कि रेट में 4 से हम डिवाइड करते हैं, क्वार्टरली में करने के लिए रेट में क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 3/4% क्या हो जाएगा क्वार्टरली हो जाएगा। टाइम कितना है 1/2 ईयर्स है, तो इसमें भी हम तो टाइम में हम जब क्वार्टरली रहता है तो हम क्या करते हैं टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/2 × 4 यानी कि यह आपके हो गया 2 क्वार्टरली हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P × 1 + R/100/T, यानी कि 2001 + 3/400। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 162409/80 आ जाएगा 2030.1125, यानी कि यह अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 2030 रुपीज, यानी कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा 2030 रुपीज आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, ध्यान से देखिए। थर्टी सिक्स नंबर में दिया हुआ है कि गांव की जनसंख्या जो है 5620 है और प्रत्येक साल जो है 5% रेट के अनुसार बढ़ता है, तो एक साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी कि P × 1 + R/100/T टाइम इसका कितना है 1 है। ठीक है, तो यह 20 बार में कट जाएगा, यानी 5620 × 21/20, यानी कि एक साल बाद उसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा 5901 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए और नोट कीजिए। तो हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक संस्था है, चैरिटी है, जिसमें वॉलंटियर की संख्या क्या है 10,000 है। वॉलंटियर की संख्या कितना है 10,000 है। कुछ समय बाद जो होता है उसकी संख्या हो जाता है 10,816। उसकी संख्या कितना हो जाती है 10,816 और वह एवरी 6 मंथ 4% बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एवरी 6 मंथ 4% बढ़ता है, बढ़ करके 10,816 हो जाएगा। तो हमको टाइम निकालना है, यानी कितने समय में यह बढ़कर इतना हो जाता है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे H = P × 1 + R/100/T। ठीक है, तो इस तरह इसको करेंगे तो 10,816 इधर ही मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको जो है
104/100 का स्क्वायर करेंगे तो इधर 104/100 के पावर टी है, जब दोनों का बेस क्या हो गया समान हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी कि 2.5 ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5 ईयर, यानी 2.5 ईयर का मीनिंग हो गया 1 ईयर, 2.5 ईयर का मीनिंग हो गया 1 ईयर। आपको एच डब्ल्यू में बनाना है 31 to 45। क्वेश्चन नंबर 31 to 45, यानी 45 तक होमवर्क ये बना के रख आइएगा, इसके बाद हम फिर बताएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन। थैंक यू।